हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डलहौजी की। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा एक छोटा सा शहर है जो यहां आने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। यह पुराने विश्व आकर्षण का प्रतीक है जो अपने प्राकृतिक दृश्य, पाइन ग्लेड घाटियों, फूलों, घास के मैदान, तेज प्रवाह वाली नदियाँ, शानदार धुंध के पहाड़ से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ स्कॉटिश और विक्टोरियन वास्तुकला की हवा की महक और परिवेश आपको ब्रिटिश काल की याद दिलाएगा। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह हिल स्टेशन गर्मियों के समय अंग्रेजों के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में राजसी विक्टोरियन शैली दिखाई देती है। डलहौजी देश के भीड़ वाले शहरों से दूर अपनी तरह का एक विचित्र शहर है जो आपको प्रकृति की गोद में होने का अनुभव करवाता है और एक प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश या इसके आसपास की जगहों की यात्रा करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको डलहौजी के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगी कि हमें डलहौजी कैसे जाना है, वहाँ कहाँ कहाँ घूमना है, वहाँ खाने के लिए क्या फेमस है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि वहाँ रुकने के लिए क्या व्यवस्था है। लेकिन इससे पहले मैं आपको डलहौजी के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। डलहौजी शहर 1854 में वाइसराय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित किया गया था, जो अंग्रेजों की गर्मी से बचने की खास जगह थी। शांतिपूर्ण जलवायु और सुखद मौसम होने की वजह से यह जगह अंग्रेजों के लिए छुट्टी का स्थान था। बता दें कि इस क्षेत्र को हिल स्टेशन के रूप में बदलने के लिए 5 पड़ोसी पहाड़ियों भंगोरा, बकरोटा, तेराह, पोटरीन और कथलगढ़ को चंबा के शासकों ने अधिग्रहित कर लिया गया था, और इसके बाद यह जगह लोकप्रिय पहाड़ी पर्यटन स्थल बन गया। फिर साल 1861 में डलहौजी गुरदासपुर जिले का एक खास हिस्सा बन गया था। 1966 में जब से डलहौजी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना है, तब से यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाने लगा है। तो आइए बात करते हैं कि हमें डलहौजी कैसे जाना चाहिए। डलहौजी जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फ्लाइट से। हवाई जहाज से डलहौजी पहुंचने के लिए कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डा इसका सबसे निकटतम घरेलू हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से डलहौजी हिल स्टेशन तक पहुँचने के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आप अन्य हवाई अड्डे चंडीगढ़ 255 किलोमीटर, अमृतसर 208 किलोमीटर और जम्मू 200 किलोमीटर के लिए भी उड़ान ले सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है डलहौजी बाय ट्रेन। डलहौजी का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो इस पहाड़ी शहर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है, और भारत के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और अमृतसर से कई ट्रेनों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से डलहौजी पहुँचने के लिए आपको बाहर से टैक्सियाँ मिल जाएगी। हमारा तीसरा ऑप्शन है डलहौजी बाय रोड। डलहौजी सड़क मार्ग की मदद से आसपास के प्रमुख शहरों और जगहों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राज्य बस सेवा और लग्जरी कोच डलहौजी को आसपास की सभी प्रमुख जगहों और शहरों से जोड़ते हैं। दिल्ली से डलहौजी के लिए रात भर लग्जरी बसें भी उपलब्ध है। इस मार्ग पर टैक्सी और निजी वाहन भी मिल जाते हैं। तो आपके लिए तीनों ऑप्शंस में से जो भी सूटेबल हो, आप उससे डलहौजी पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं वहाँ के फेमस पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले आता है खज्जीर। खज्जीर डलहौजी के पास स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड या भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। 6,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित खज्जीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सौरम्य परिदृश्य की वजह से डलहौजी के पास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। खज्जीर एक छोटी झील के साथ एक पठार है, जो पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस जगह होने वाले साहसिक खेल, जोरबिंग, ट्रेकिंग आदि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारी दूसरी जगह है सतधारा झरना। सतधारा झरना चंबा घाटी में स्थित जो बर्फ से ढके पहाड़ों और ताजे देवदार के पेड़ों के शानदार दृश्यों से घिरा हुआ है। सतधारा का मतलब होता है 7 झरने। इस झरने का नाम सात धारा 7 खूबसूरत झरनों के जल के एक साथ मिलने की वजह से रखा गया है। इन झरनों का पानी समुद्र से 2036 मीटर ऊपर एक बिंदु पर मिलता है। यह उन लोगों के लिए खास है जो शहर की भीड़भाड़ वाली जिंदगी से थक कर दूर जाना चाहते हैं और शांति का अनुभव करना चाहते हैं। सतधारा फॉल्स अपने औषधीय गुणों की वजह से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ के पानी में अभ्रक पाया जाता है, जिससे
त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। हमारी अगली जगह है पंचपुला। पंचपुला हरे देवदार के पेड़ों के आवरण से घिरा एक झरना है जो डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। पंचपुला वो जगह है जहाँ पर पांच धाराएं एक साथ आती है। पंचपुला की मुख्य धारा डलहौजी के आसपास की विभिन्न जगहों में पानी की पूर्ति करती है। यह जगह ट्रेकिंग और अपने खूबसूरत दृश्यों की वजह से जानी जाती है। पंचपुला के पास एक महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा की याद में एक समाधि स्मारक बनाई गई है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मानसून के समय इस जगह के प्राचीन पानी का सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। जब पानी गिरता है तो यहाँ का वातावरण पर्यटकों को आनंदित करता है। हमारी अगली जगह है कलातोप खजीर अभ्यारण्य। कलातोप खजीर अभ्यारण्य को कलातोप वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है जो हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में स्थित है और डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कलातोप नाम का अर्थ काली टोपी है जो संभवतः अभ्यारण्य में सबसे ऊंची पहाड़ी पर घने काले वन को बताता है। कलातोप वनस्पति और जीवों में काफ़ी समृद्ध है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। अगर आप डलहौजी की यात्रा पर जा रहे हैं तो कलातोप खजीर अभ्यारण्य को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। अगला है चामुंडा देवी टेम्पल। चामुंडा देवी मंदिर देवी काली को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देवी अंबिका ने मुंडा और चंदा नाम के राक्षसों का वध किया था। इस मंदिर में देवी को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को देवी की मूर्ति को छूने नहीं दिया जाता है। इस क्षेत्र में पर्यटकों को कई सुंदर दृश्य भी देखने को मिलते हैं। अगली जगह है बकरोटा हिल्स। बकरोटा हिल्स जिसे अपर बकरोटा के नाम से भी जाना जाता है, यह डलहौजी का सबसे ऊंचा इलाका है और यह बकरोटा वॉक नाम की एक सड़क का सर्किल है जो खजियार की ओर जाती है। भले ही इस जगह पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ टहलना और चारों तरफ के आकर्षक दृश्यों को देखना पर्यटकों की आंखों को बेहद ही आनंद देता है। यह क्षेत्र चारों तरफ से देवदार के पेड़ों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगली जगह है सच पास। सच दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर 4,500 मीटर की ऊंचाई से होकर जाता है और डलहौजी को चंबा और पांगी घाटियों से जोड़ता है। आपको बता दें कि डलहौजी से 150 किलोमीटर की दूरी पर यह मार्ग यह उत्तर भारत में पार करने के लिए सबसे कठिन मार्गों में से एक है। जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं तो अक्सर सच पास का दौरा करते हैं और यहाँ से बाइक या कार चलाने का रोमांचक अनुभव लेते हैं। अगर आप भी इस मार्ग की यात्रा करें तो जरा भी जोखिम न लें और अपने साथ एक अनुभवी ड्राइवर को ले जाएं। यह चंबा या पांगी घाटी तक पहुंचने के लिए लोगों का पसंदीदा रास्ता है और डलहौजी से ट्रैकिंग करने के लिए एक प्रसिद्ध बिंदु है। हमारी अगली जगह है सुभाष बावली। सुभाष बावली डलहौजी में गांधी चौक से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसी जगह है जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। सुभाष बावली को अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों, दूर दूर तक फैले बर्फ के पहाड़ों दृश्यों और सुंदरता के लिए जाना जाता है। सुभाष बावली वो जगह है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस 1937 में स्वास्थ्य की खराबी के चलते आए थे और वो इस जगह पर 7 महीने तक रहे थे। इस जगह पर रहकर वे बिल्कुल ठीक हो गए थे। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एक खूबसूरत झरना भी है जो हिम नदी धारा में बहता है। अगला है डेनकुंड पीक। डेनकुंड पीक जिसे सिंगिंग हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो डलहौजी में समुद्र तल से 2,755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह डलहौजी में सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण यहाँ से घाटियों और पहाड़ों के अद्भुत दृश्यों को देखा जा सकता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए शांत जगह स्वर्ग के समान है। डलहौजी क्षेत्र में स्थित डेनकुंड सचमुच देखने लायक जगह है जो अपनी खूबसूरत बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। डेनकुंड पीक हर साल भारी संख्या में देश भर से पर्यटकों को और अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारी अगली जगह है गंजी पहाड़ी। गंजी पहाड़ी पठानकोट रोड पर डलहौजी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर पहाड़ी है। इस पहाड़ का नाम गंजी पहाड़ी इसकी खास विशेषता से लिया गया था क्योंकि इस पहाड़ी पर वनस्पतियों की पूर्ण अनुपस्थिति है। गंजी का मतलब होता है गंजापन। डलहौजी के पास स्थित होने की वजह से यह पहाड़ी एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है। सर्दियों के दौरान यह इलाका मोटी बर्फ से ढक जाता है जो मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। और हमारी आखिरी जगह है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन डलहौजी में एक सुंदर उद्यान है और लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। इस पार्क में पर्यटक आराम करने के अलावा इस क्षेत्र में उपलब्ध कई साहसिक खेलों का भी मजा ले सकते हैं जिसमें जिप लाइनिंग आदि शामिल है।
हम बात करते हैं डलहौजी के फेमस फूड के बारे में। डलहौजी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो आपको भोजन के लिए कई कई विकल्प प्रस्तुत करता है। इस जगह पर आप खास तरह के उत्तर भारतीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ताजे और चीनी स्नैक्स को यहाँ के स्थानीय ढाबों में बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इस सभी चीज़ों के अलावा आप यहाँ के होटल और रिसोर्ट्स से जुड़े सभी भोजनालयों में मिलने वाले कई तरह के व्यंजनों के साथ कुछ खास व्यंजनों का भी स्वाद चख सकते हैं। हिमाचली व्यंजन बहुत ही सरल और सादा होता है, जिसमें मुख्य रूप से चपाती, दाल, ग्रेवी और दही आदि शामिल है। अब ये तो बात हो गई खाने की, अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि हमें डलहौजी कब जाना चाहिए, मतलब यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। डलहौजी अपनी आदर्श जलवायु की वजह से एक ऐसी जगह है जहाँ आप पूरे वर्ष भर घूम सकते हैं। हालांकि डलहौजी जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच का होता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में यहाँ पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, और जब सूरज की किरणें बर्फ़ से ढके पहाड़ों और चरागाहों से टकराती है, तब इस जगह की चमक देखने लायक होती है। इस समय यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। आप मार्च और अप्रैल में ठंड का अनुभव कर सकते हैं, और जून के महीने में यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है। गर्मियों के महीनों में भी डलहौजी का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। मानसून भी यहाँ का मौसम सुहावना है, क्योंकि मध्यम वर्षा से आपकी योजनाओं में कोई रुकावट नहीं आती। डलहौजी में सर्दियाँ साहसिक गतिविधियों के लिए एकदम सही है। अब बात करते हैं यहाँ के होटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको डलहौजी में लो बजट से लेकर हाई बजट तक बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल्स का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने को आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।